हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल थ्री इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मुकेश कुमार और अंकिता सेंगर। दोस्तों, आज हमारे बेटे का बर्थडे है, जयेश सेंगर। आज हम जा रहे हैं इसकी बर्थडे सेलिब्रेशन करने। हम जा रहे हैं इंद्रपुरम हैबिटेट सेंटर और यहां से करीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता है। और चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसा लगता है वहाँ पर, कैसा रेस्टोरेंट है और कैसी वहाँ सुविधाएँ मिलती हैं, देखते हैं। चलो दोस्तों, पहला गियर डाल देते हैं और यार इन्होंने यहाँ से क्या कर दिया। दोस्तों, हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं। ये हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। पहले NH-24 था, अब ये एक्सप्रेसवे बन गया है, काफ़ी अच्छा रोड हो गया है। तो हम इंद्रपुरम की तरफ जा रहे हैं। करीबन 5-7 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से। और हमने इंद्रपुरम में एंट्री ले ली है और राइट साइड पर ना ये शिप्रा मॉल दिखाई दे रहा है। ये यहाँ का बहुत पुराना मॉल है और यहाँ काफ़ी क्राउड रहता है, काफ़ी अच्छा मॉल है यहाँ का। दोस्तों, हम इंद्रपुरम हैबिटेट सेंटर आ गए हैं। लेफ्ट साइड से ये इंद्रपुरम हैबिटेट सेंटर पूरा स्टार्ट हो जाता है। गाड़ी हम अंदर ले जाते हैं पार्किंग में खड़ा कर देते हैं और चलो अंदर चलते हैं। दोस्तों, अंदर आ गए हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर ना बच्चों के लिए राइड्स बना दी गई हैं, ट्रेन वगैरह और जो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, बस वगैरह चलती रहती हैं, जिससे कि बच्चों को यहाँ एंटरटेनमेंट होता रहता है। बाकी यहाँ सारे ब्रांड्स हैं, सारे जो शॉपिंग के, रिटेल के सारे ब्रांड्स हैं और सारे ही ब्रांडेड रेस्टोरेंट भी यहाँ पर हैं। एक से एक रेस्टोरेंट हैं, रेस्टो बार्स हैं, सब कुछ है यहाँ पर। एक ऐसी ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर सारे ब्रांड्स एक साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, हमें सारी शॉपिंग करनी हो चाहे पार्टी करनी हो, सब कुछ एक साथ हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही यहाँ का फेमस हो रहा है, इंद्रपुरम हैबिटेट सेंटर। हमारा बेटा भी यहाँ कार देख के कार चलाने के लिए कह रहा है, चलो इसे राइड कराते हैं। यहाँ 100 रुपये पर हेड लेते हैं फॉर 2 राउंड्स। जयेश की राइड कंप्लीट हो गई है, अब इसके लिए चलो केक खरीद लेते हैं। यहाँ हीरा स्वीट्स है, यहाँ पर काफी केक्स वगैरह मिलते हैं। चलो यहाँ से है ना केक की शॉपिंग कर लेते हैं। अब हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ये पैप्रिका पार्क रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलता है। हमें वेजिटेरियन पार्टी करनी है। बाकी एम्बियंस यहाँ का बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा ना म्यूज़िक बजता रहता है और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर पार्टी करते हैं। आ जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ, यस, अब ऐसा फोटो खींचेगी, गोल्डन, इतना खींचेगी।
पकड़ाओ वो तरुण जी खींच लेंगे। चलो कटिंग करवाओ। यस अंकिता सर्विंग करवा क्या नाम था क्यों तंदूरी मलाई चाप दोस्तों पार्टी ख़त्म हो गई है। अब हम अपने घर के लिए लौट रहे हैं और काफ़ी हमने एंजॉय किया। मजा आया बाबू बहुत मजा आया ना। थोड़ी गाड़ी की स्क्रीन पार्टी फिनिश हो गई। अब घर चल रहे हैं। हाँ चलिए अब घर चल रहे हैं। जयेश हाँ जयेश घर जा रहा है। काफी हैप्पी है। पार्टी फिनिश हो गई है। चलिए घर चल रहे हैं। बहुत गिफ्ट मिले जयेश को। अब घर पे जाके गिफ्ट खोलेंगे अपने। चलिए गिफ्ट खोलेंगे घर जाके। पहले घर पहुंचते हैं जल्दी से। पापा को दिखाएंगे नहीं क्यों? खाना कैसा था? बढ़िया था। केक अच्छी थी। और खाना कैसा था? पिज्जा कैसा था जयेश का? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा यम्मी स्वाद। बहुत अच्छा स्वाद था। अरे वो तेजी से जा रही है। अब गाड़ी दोस्तों अब हम घर आ गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।